कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी समेत 13 देशों में पहुंच चुका है। ज्यादातर देश ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए ट्रैवल बैन लागू कर चुके हैं। इसको लेकर बढ़ते खतरे के बीच वैक्सीन कंपनी मॉडर्ना ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए स्पेशल वैक्सीन ओमिक्रॉन स्पेसिफिक 2 से 3 महीनों में तैयार हो जाएगी। साउथ अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से दुनिया परेशान है। वैक्सीन कंपनियां अब तक दावे से ये नहीं कह पा रही हैं कि मौजूदा वैक्सीन इस नए वेरिएंट को काबू करने में कारगर साबित होगी या नहीं। मॉडर्ना के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पॉल बर्टन ने कहा है कि हम हालात पर नजर रखे हुए हैं। फिलहाल सिर्फ यही कहा जा सकता है कि अगर ओमिक्रॉन के लिए अलग से वैक्सीन की जरूरत हुई तो ये कुछ हफ्तों में तैयार कर ली जाएगी। कुछ हफ्तों में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। साइंटिस्ट इस वेरिएंट और वैक्सीन एफिकेसी पर रिसर्च कर रहे हैं। हम उन लोगों के सैंपल्स की जांच भी कर रहे हैं जो वैक्सीनेट होने के बावजूद इस वेरिएंट से पॉजिटिव हो गए हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।